वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 मुकाबलों की T20 सीरीज के लिए घोषित हुई टीम इंडिया की स्क्वाड विराट कोहली और रोहित शर्मा हुए बाहर, तो युवा खिलाड़ियों को मौका मिला टीम इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले जाने वाली 5 मुकाबलों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जहां पर टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो साथ ही कई युवा खिलाड़ियों को भी टीम में जगह मिली है। तो दोस्तों, हम भारतीय टीम की पूरी स्क्वाड तो आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि ये मुकाबले कब और कितनी बजे शुरू होंगे और आप इन्हें किस प्रकार से लाइव देख सकेंगे। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया युवा टीम के साथ इस सीरीज को जीते, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम के बारे में। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के T20 कप्तान होने वाले हैं निकोलस पोरन, तो वहीं पर दोस्तों इस टीम में रोमन पावेल वाइस कैप्टन का रोल निभाते हुए नजर आएंगे, जबकि तीसरे खिलाड़ी के तौर पर साई होप को टीम में जगह मिली है, तो चौथे खिलाड़ी समरा ब्रुक्स हैं, तो पांचवें खिलाड़ी के तौर पर यानी क्रया है, तो छठे खिलाड़ी केसी कार्टी हैं, सातवें खिलाड़ी के तौर पर रोस्टन चेस मौजूद है, तो आठवें खिलाड़ी जेसन होल्डर हैं, जबकि दोस्तों नौवें खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर सिमरन हेटमायर दिखने वाले हैं, तो दसवें खिलाड़ी के तौर पर अकील हुसैन मौजूद हैं, ग्यारहवें खिलाड़ी के तौर पर ब्रेंडन किंग है, तो बारहवें खिलाड़ी के तौर पर काइली मेयर्स हैं, तेरहवें खिलाड़ी के तौर पर अल्जारी जोसेफ है, तो चौदहवें खिलाड़ी किमो पॉल हैं, जबकि पंद्रहवें खिलाड़ी टीम की तरफ से रोमा रियो सेपट मौजूद हैं। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी शानदार टीम नज़र आ रही है, जो कि इस बार कमाल का परफॉर्मेंस कर सकती है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी शानदार ये टीम है, जो कि T20 में कमाल का परफॉर्मेंस करती हुई आई है, लेकिन पिछला कुछ समय इस टीम का उतना अच्छा नहीं गया है, तो ऐसे में यहाँ पर उम्मीद करें कि ये टीम की यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस करके भारत को टक्कर दें, क्योंकि सभी मुकाबले इन्हीं के होम ग्राउंड में खेले जाने हैं। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की स्क्वाड की, तो टीम इंडिया में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो दोस्तों भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक काफ़ी शानदार T20 कप्तान है और पिछले कुछ समय से टीम इंडिया की कमान संभाले हुए हैं, यानी कि 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 में हार्दिक ही हमें भारतीय टीम को लीड करते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में एक बार फिर कप्तानी इन्हीं के हाथ में होगी, जबकि टीम के वॉइस कैप्टन के तौर पर हमें सूर्य कुमार यादव दिखेंगे, जबकि टीम के तीसरे खिलाड़ी की हम बात करें तो वो होने वाले हैं शुभमन गिल, तो वहीं पर चौथे खिलाड़ी के तौर पर मौजूद रहेंगे ईशान किशन, तो पाँचवें खिलाड़ी के तौर पर संजू सैमसन को टीम इंडिया में मौका मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों छठे खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा, तो सातवें खिलाड़ी के तौर पर रिंकू सिंह टीम इंडिया का हिस्सा होने वाले हैं, तो वहीं पर आठवें खिलाड़ी के तौर पर राहुल त्रिपाठी दिखने वाले हैं, तो नौवें खिलाड़ी के तौर पर हमें अक्षर पटेल टीम इंडिया का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे, जबकि दसवें खिलाड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं यजवेंद्र चहल, तो ग्यारहवें खिलाड़ी के तौर पर कुलदीप यादव हमें दिखने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों बारहवें खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर हमें अर्शदीप सिंह दिखेंगे, तो तेरहवें खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया का हिस्सा होंगे भुवनेश्वर कुमार, जबकि चौदहवें खिलाड़ी के तौर पर हमें दिखने वाले हैं आकाश मधवाल, तो पंद्रहवें खिलाड़ी के तौर पर यश ठाकुर को टीम इंडिया में जगह मिलेगी। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो भारतीय टीम में कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो इस सीरीज में पहली बार भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसे में यहाँ पर इन खिलाड़ियों से ज़्यादा उम्मीदें होगी, खास करके यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह से भी बड़ी उम्मीदें होगी, क्योंकि ये वो दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है T20 क्रिकेट में, तो एक बार फिर यहाँ पर भी ये कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है और किन खिलाड़ियों को यहाँ पर टीम इंडिया के लिए T20 में मौका मिलना चाहिए, आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।